इंग्लिश की फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाए आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल है और आपने बहुत कोशिश की है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने की राइट right? पर फिर भी आप कहीं ना कहीं बेसिक इंग्लिश में अटके हो देखिए इंग्लिश अगर फ्लुएंटली बोलनी है राइट right? तो आपको बेसिक वर्ड्स को छोड़कर एडवांस्ड वर्ड्स अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने होंगे मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 30 डेज में 100 नए वर्ड्स सीख सकते हो यह उसी सीरीज का पार्ट टू है और यह वीडियो आप ही के रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स्ट जहां सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन मेरे पिछले लेसन में मैंने आपको हार्ड इस वर्ड को रिप्लेस करके 25 नए इंग्लिश के वर्ड सिखाए थे क्योंकि हार्ड इजी गुड बैड अमेजिंग ये काफी बेसिक इंग्लिश वर्ड्स है और हम अक्सर इन्हें हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं पर जैसे मैंने बताया कि अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आपको जरूरत है कुछ एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स की तो आज के इस लेसन में हम क्या करेंगे हम इजी को हमारी कॉन्वर्सेशन से हटाकर कुछ पंद्रह फिफ्टीन नए इंग्लिश के वर्ड्स सीखेंगे क्योंकि पिछले लेसन में हमने हार्ड को रिप्लेस करके ट्वेंटी फाइव नए इंग्लिश वर्ड्स सीखे थे आई होप आप इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बना रहे हो तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत और आज हम रिप्लेस करेंगे ईजी को फिफ्टीन न्यू इंग्लिश वर्ड्स के साथ तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस है और अगर आप देखो तो इन सारे सेंटेंसेस में इजी लगा हुआ है राइट इजी इजी हम सबसे पहले इन सारे सेंटेंसेस में से इजी को हटा देंगे राइट right? राइट right? हमने इजी को इन सब सेंटेंसेस में से हटा दिया है अब हम हर सेंटेंस में इजी को एक एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस करेंगे सबसे पहला सेंटेंस है द क्लोजेस इन द अग्रीमेंट आर इजी टू अंडरस्टैंड ने का मतलब जो अग्रीमेंट के क्लॉजेज है वो पढ़ने में या समझने में बहुत आसान है ईजी है पर आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस सिचुएशन में आप कह सकते हो द इन द्लॉजेट आर अनकॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड क्योंकि कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना वो काफी कॉम्प्लिकेट होता है समझने में तो आप उसको ऑपोजिट यूज कर सकते हो अनकॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड हमारा काम क्या है इजी को हटाकर बेटर वर्ड यूज करना है चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर टू

है कि नहीं बेटर वर्ड सेंटेंस नंबर थ्री ही वन द कॉम्पिटिशन ईजीली उसने कॉम्पिटिशन बहुत ही आसानी से जीत लिया आप कह सकते हो ही वन द कॉम्पिटिशन अनचैलेंज यानी उसके मुकाबले का कोई था ही नहीं ताकि उसे चैलेंज कर पाए यू वन द कॉम्पिटिशन unchallenged। अगेन हमने एक नेगेटिव वर्ड यूज किया है अनचैलेंज नेक्स्ट है सोल्विंग द पजल वॉज ईजी पजल हमेशा मुश्किल होते ईजी था, था आप क्या कह सकते हो सोल्विंग द पजल या सोल्विंग दिस पजल वॉज एफर्टलेस इसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगा कोई मेहनत ही नहीं लगी एफर्टलेस नेक्स्ट है रिकवरी आफ्टर द सर्जरी वॉज ईजी जनरली जब सर्जरी होती है सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी आफ्टर रिकवरी क्योंकि जनरली फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हार्ट सर्जरी है ओपन हार्ट सर्जरी है तो बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है और आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप कह सकते हो रिकवरिंग आफ्टर द सर्जरी वॉज पेनलेस जनली ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो दर्द बहुत होता है बाद में पेन किलर्स देते हैं डेफिनेटली डॉक्टर्स बट फिर भी बहुत तकलीफ होती है तो इट वॉज पेनलेस तो देखा आपने अनकॉम्प्लिकेटेड अनडिमांडिंग अनचैलेंज एफर्टलेस पेनलेस कितने बढ़िया वर्ड आपने यूज किए यह कहने की जगह कि कोई चीज आसान थी या इजी थी चलिए बढ़ते की तरफ, और इन सब sentences में से हम इजी को पहले हटा देंगे सबसे पहला है अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट वाज इजी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान था क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है आप कह सकते हो अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट वॉज ट्रबल फ्री कोई तकलीफ ही नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरा पासपोर्ट रिन्यू किया इनफैक्ट आज की तारीख में आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके नहीं जाने पड़ते क्योंकि डिजी लॉक जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है वहां पर आप आपके डॉक्यूमेंट स्टोर करो और पासपोर्ट ऑथोरिटीज वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं राइट इट वॉज ट्रबल फ्री गेटिंग अ रैंक इन आई टी आई आई टी जेई इज नॉट ईजी हकीकत बात है आई टी जेई में रैंक लाना बहुत मुश्किल है और रैंक आने के बाद ही आप एडवांस के लिए अपेयर करोगे तो यहां पर इजी की जगह आप कह सकते हो गेटिंग अ रैंक इन आई टी जेई इज नॉट फैसल फैसल इसकी प्रोनाउंसिएशन है टू सिलेबल वर्ड है फासल. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड टीचर ने जो भी समझाया बहुत ही आसानी से समझ में आया आप कह सकते हो द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज स्ट्रेट फॉर टू अंडरस्टैंड आसानी से समझ में आया बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं ग्रामर ग्रामर आर टू सॉल्व ये काफी आसान है सॉल्व करने के लिए आप इजी की जगह यूज कर सकते हो एलिमेंट्री लेवल्स है ना ग्रामर में एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एडवांस तो दीज ग्रामर क्वेश्चन आर एलिमेंट्री टू सॉल्व मुझे थोड़ा और मुश्किल वाले सवाल दे दो एलिमेंट्री दिस इज एन ईजी रेसिपी टू मेक एन ऑमलेट ऑमलेट बनाना तो आसान है वैसे पर कुछ अलग ट्राई करना अलग टाइप का अगर ऑमलेट ट्राई करना है तो आप कह रहे हो दिस एन ईजी रेसिपी टू मेक एन ऑमलेट आप कह सकते हो दिस इज एन ईडियट प्रूफ रेसिपी टू मेक एन ऑमलेट ईडियट प्रूफ का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई ईडियट भी है ना वो भी इसे बना सकता है इतना आसान है इतनी आसान रेसिपी है ये देखिए कितना बढ़िया इंग्लिश के वर्ड्स है इन्हें जरूर आप यूज कीजिए ट्रबल फ्री फैसल स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमेंट्री इडियट प्रूफ और आप ध्यान दो तो ये सारे वर्ड्स अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज किए गए हैं आप ऐसा नहीं कि आप ट्रबल फ्री कहीं पर भी यूज कर सकते हो या इडियट प्रूफ ऑफ कहीं पर भी यूज कर सकते हो ऐसा नहीं होगा मैं चाहता हूं आप फैसल uh, और इडियट प्रूफ इन दो वर्ड्स को लेकर एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस की तरफ सब में से हमने इजी को हटाया है सबसे पहला सेंटेंस द रॉकेट लॉन्च वॉज ईजी रॉकेट लॉन्च वॉज ईजी आप कह सकते हो द रॉकेट लॉन्च वॉज प्लेन सेलिंग क्योंकि जब भी एक रॉकेट लॉन्च होता है कुछ ना कुछ मुश्किलें तो आती है क्योंकि उसमें इतना सारा टेक जुड़ा होता है राइट टेक्नोलॉजी बहुत सारी यूज होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो ये जो रॉकेट है आसानी से अर्थ के एटमोसफियर से निकलकर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में अभी घूम रहा है इट वॉज प्लेन सेलिंग यानी आसानी से निकल गया मैनेजिंग हाउस वॉज ईजी मैं अकेला रह रहा था मुझे लगा कि घर संभालना बहुत मुश्किल होगा पर आसान था मैं कह सकता हूं मैनेजिंग हाउस वॉज ईजी एज अ पाएज ईजी एज अ पाए ये एक इंग्लिश का idiom भी है नेक्स्ट है बिल्डिंग अ ब्रांड इज नॉट इजी डेफिनेटली एक ब्रांड को बनाना आसान काम नहीं है कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है राइट प्रॉपर प्रॉपर मार्केटिंग से अगर हमारी बात तो प्रॉपर राइट ये बहुत सारी छोटी 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 चीजें इन्वॉल्व होती है तो आप कह सकते हो बिल्डिंग अ ब्रांड इज नॉट चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल नहीं है ऑल द एम फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज इजी आप कह सकते हो ऑल द एम फ्लाइंग इट वॉज नो स्वेट यानी कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था नो no स्वेट का मतलब भी होता है बिल्कुल मुश्किल नहीं एक्चुअली स्लैंग नो स्वेट लर्निंग इंग्लिश इज ईजी इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली लर्निंग इंग्लिश इज ईजी पीजी इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली ये भी एक इंग्लिश का स्लैंगड है तो हमने पांच और नए इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं तो देखा आपने दोस्तों हमने इजी को हटाकर पंद्रह नए इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं अनकॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड अनडिमांडिंग अनडिमांडिंगज एफर्टलेस पेनलेस प्रूफ ये मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है ट्रबल फ्री फैसल स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमेंट्री प्लेन सेलिंग चाइल्ड्स प्ले नो स्वेट इजी एज अ इजी पीजी तो देखा आपने हमने इजी घोटाकर कितने नए इंग्लिश वर्ड सीखे तो बस ये था आज का लेसन अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के लेसन और बनाऊं तो मुझे कॉमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताइए और आप कौन से वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं आप, आपको उन सेंटेंसेस के साथ उस कॉन्टेक्स्ट के साथ उन वर्ड्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ये बताऊंगा मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में तब तक एज यूजल कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश टेक केयर